लॉकडाउन में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही मुहिम में राशन विक्रेता कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ऐसे राशन विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जवाब में राशन की कालाबाजारी करने वाले राशन विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जवाब के शासकीय उचित मूल्य की दुकान बसौड़ के विक्रेता विकास सिंह को पुलिस ने राशन की कालाबाजारी के चलते गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी शेर अली खान ने बताया कि लगभग 200 हितग्राहियों द्वारा अनियमितता की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई थी, जिसके बाद सहायक आपूर्ति अधिकारी अंबु श्रीवास्तव और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रोहित सिंह ने आरोप सही पाए और आरोपियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दुकानदार पर उचित दर से अधिक मुनाफा कमाने, सहकारी कोटे की राशन सामग्री की कालाबाजारी करने और आपदा राहत कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगा है। दिनांक 26/4 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजेश पांडे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी विकास सिंह के द्वारा खाद्यान्न का घपला करके और 180 हितग्राहियों का राशन उनको ना देके उनकी पर्ची बांटकर और स्वयं राशन को जो है बिक्री कर लिया। इसकी प्रारंभिक जांच अंबोज श्रीवास्तव कनिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई थी। इसकी जांच एसडीएम साहब ने किया था। एसडीएम साहब के आदेशानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई है। विवेचना के दौरान अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आज दिनांक 11/5/2020 को आरोपी विकास सिंह, पिता त्रिवेणी सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी जतरी, थाना डभौरा को आज गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।